इंदौर में भूमाफियाओं के विरोध में अब जनप्रतिनिधि भी उतर आए हैं। ऐसा ही नजारा मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में देखने को मिला, जहां वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद पति ने भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। जमीन पर कब्जा करने से वार्ड में कहीं पर भी संजीवनी क्लिनिक की जगह नहीं है, जिसकी उन्होंने कलेक्टर को शिकायत की है। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद पति रफीक खान अपनी जन समस्याओं को लेकर एडीएम के समक्ष उपस्थित हुए। पार्षद पति रफीक खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना संजीवनी क्लिनिक के लिए वार्ड क्रमांक 2 में भूमाफियाओं के द्वारा जगह जगह कब्जे कर लिए गए, इसलिए संजीवनी क्लिनिक के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं बचा है, जिसके चलते उन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन सौंपकर संजीवनी क्लिनिक के लिए उचित जगह देने की मांग की है। सुना था कि नए कलेक्टर साहब आए हैं, तो वो जनसुनवाई में ही ज़्यादा अच्छी सुनवाई करते हैं, तो वार्ड में मैं पार्षद पति हूँ वार्ड क्रमांक 2 से, चंदन नगर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक आदेश है और एक इच्छा है कि हर वार्ड के अंदर संजीवनी क्लिनिक होना चाहिए। वार्ड क्रमांक 2 में अवैध कॉलोनाइजरों के द्वारा जगह जगह कब्जे कर लिए गए हैं, कहीं पर भी शासकीय भूमि खाली नहीं है। संजीवनी क्लिनिक बनाना है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, और भी कई शासकीय जो निर्माण नगर निगम से संजीवनी क्लिनिक के लिए टेंडर भी हो गया 22 लाख रुपए के ऊपर का, लेकिन उसके लिए भूमि नहीं मिल रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मांग करी है, और एडीएम बेड़ेकर साहब मिले हैं, कलेक्टर साहब मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन आज जनसुनवाई में मैंने लेटर दिया है कि वहाँ पर या तो वार्ड क्रमांक 2 में या उससे लगी हुई आसपास जो भी जमीनें हैं उनमें से जो शासकीय भूमि हो उसको चिन्हित किया जाए, और उसको संजीवनी क्लिनिक के लिए और शासकीय स्कूल बनाने के लिए जो नगर निगम से प्रस्तावित है उसके लिए जगह बताई जाए। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।